नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं थ्री बेस्ट फिल्म्स ऑफ साल 1983 में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की तीन ऐसी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जो पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी थी। आज हम आपको उन सभी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के लोग आज भी दीवाने हैं। वह एक ऐसे दिग्गज अभिनेता हैं जो हर पीढ़ी के लोगों से जुड़ने में सफल साबित हुए हैं। यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। वह पिछले 5 दशकों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। आज हम आपको अमिताभ की उन तीन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल 1983 में रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई। थिनकुली अमिताभ बच्चन की यह फिल्म साल 1983 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था और इसे कादर खान ने लिखा था। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान की भूमिका निभाई थी जो रेलवे एक कुली था। यह फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई थी, इस वजह से यह रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, शोमा आनंद, सुरेश ओबेरॉय और पुनीत इस सभी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। यही वह फिल्म थी जिसमें अमिताभ बुरी तरह घायल हो गए थे। अंधा कानून। अमिताभ बच्चन की यह फिल्म 1983 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह एक एक्शन फिल्म थी जिसका निर्देशन टी रामा राव ने किया थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा रजनीकांत, हेमा मालिनी, रीना रॉय भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आई थी। फिल्म में सहायक भूमिकाओं में प्रेम चोपड़ा, डैनी डेंजोंग, पाकप्राण, मदन पुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकार थे। वहीं इस फिल्म में धर्मेंद्र ने भी कैमियो किया था। ये तमिल फिल्म सतम ओरु इरुत्तराई 1981 की रीमेक थी। अमिताभ की इस फिल्म पर भी दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार लुटाया। नास्तिक। अमिताभ बच्चन की यह फिल्म 1983 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। ये भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो विनोद दोषी द्वारा निर्मित और प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित थी। अमिताभ की यह फिल्म भी रिलीज होते ही सिनेमाघरों में तहलका मचाने लगी थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा हेमा मालिनी, प्राण, देवेन वर्मा, सारिका, अमजद खान, अरुणा ईरानी, मदन पुरी, भगवान दादा, नलिनी जयवंत, रीता भादुड़ी, ललिता पवार, बॉब क्रिस्टो और टॉम ऑल्टर भी नजर आए थे। धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।